Hey guys, welcome back to my channel World Best Recipes. Myself Jia Mansoori. आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए पटियाला चिकन रेसिपी। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होने वाली है ये डिश। वैसे तो हम सभी को पसंद होता है पटियाला चिकन, पर पंजाबियों का फेवरेट होता है। तो चलिए देर ना करते हुए देख लेते हैं फटाफट से इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने 80 ग्राम चिकन लिया है, इसको धुलकर साफ़ कर लिया है। यहाँ पर लिया है मैंने 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट, 1/2 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/4 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, 1/2 टेबल स्पून भुना हुआ जीरा। और यहाँ पर लिया है मैंने 1 कटोरी, इसमें तकरीबन हमारे 6 टेबल स्पून दही है। सॉरी, मैं यहाँ पर जिंजर गार्लिक का पेस्ट दिखाना भूल गई आप सबको। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने 4 टेबल स्पून जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। अब हम कर लेते हैं इन सारी चीज़ों को मिक्स। बहुत अच्छे से मिक्स करना है हमें इन सारी चीज़ों को, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से मिला लेना है। हाफ आवर छोड़ देंगे हम इसको मैरिनेट होने के लिए। जब तक ये हमारा मैरिनेट होता है, हम दूसरी तरफ ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई में डालेंगे हम ऑयल। जब तक हमारा यहाँ तेल गर्म होता है, हम देख लेते हैं मसाले। तो यहाँ पर देखिए, 1.5 इंच का मैंने सिनेमन का टुकड़ा लिया है, ग्रीन इलायची ली है, 3 लौंगे ली हैं और 10 से 12 काली मिर्च। अब इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर लिया मैंने 1/2 टेबल स्पून जीरा और यहाँ पर लिया मैंने 3 बड़ी प्याज, इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। प्याज को हमें लाइट गोल्डन होने तक भूनना है। प्याज हमारी लाइट गोल्डन हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप। अब हम यहाँ पर टमाटर ऐड करेंगे। यहाँ पर लिए हैं मैंने 2 बड़े साइज के टमाटर, इनको भी मैंने फाइन चॉप कर लिया है। मिक्स कर लेते हैं बहुत अच्छे से। तो जैसे ही हमारे टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं, हम यहाँ पर मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर ले लिए हैं मैंने 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/4 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर। इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें अपने प्याज और टमाटर के साथ। 1 से 1.5 मिनट हाई फ्लेम पर हमें अच्छे से भून लेना है अपने मसाले को। तो ये देखिए, 1 से 1.5 मिनट हो गया है। अब हम यहाँ पर 2 से 3 चम्मच पानी डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से और ढक कर 2 से 3 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें इसे पका लेना है। तो ये देखें, 3 मिनट हो चुके हैं हमारे और मसाला हमारा भुनकर बिल्कुल रेडी है। ये देख सकते हैं आप, तेल रिड्यूस कर दिया है इसने और ये बहुत अच्छे से भुन गया है। यहाँ पर हम आधे मसाले को बाहर निकाल लेंगे। अब हम इस बचे हुए मसाले में डालेंगे अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन। हाई फ्लेम पर हमें इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से पका लेना है। देखें कितना सारा वाटर रिड्यूस कर दिया है इसने। मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 कप तकरीबन पानी, उसी बर्तन को खंगाल कर जिसमें हमने अपना चिकन मैरिनेट किया है। तो अब हमें ढककर इसे 10 से 12 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पर पका लेना है। जब तक हमारा चिकन पकता है, दूसरी तरफ हम अपनी वेजिटेबल ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा जीरा, तकरीबन 1/4 टेबल स्पून। यहाँ पर लिए हैं मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज। प्याज को मैंने 4 पीसेस में डिवाइड कर लिया है, उसको मैंने लेयर्स में खोल लिया है। और यहाँ पर मैंने मीडियम साइज की 1 शिमला मिर्च ली है, उसको भी मैंने चकोर शेप में कट कर लिया है। इसको हमें बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, 0.5 to 1 मिनट इनफ है इसके लिए। और हमें फ्लेम का ध्यान रखना है, हाई फ्लेम पर ही हमें इसे भूनना है। और यहाँ पर हम ग्रेवी ऐड कर देते हैं, मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से। यहाँ पर लिया है मैंने 20 काजू का पेस्ट, ये ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे और उसी कटोरी को खंगाल कर 1 से 1.5 चम्मच पानी ऐड करूँगी इसमें। यहाँ पर लिया है मैंने कुछ हरा धनिया और थोड़ी सी कसूरी मेथी, ये भी हम यहाँ पर डाल देंगे।
मिक्स कर लेंगे इनको भी अच्छे से। यहाँ पर लिया है मैंने 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो बनकर तैयार है हमारी वेजिटेबल ग्रेवी। फ्लेम को कर देंगे हम ऑफ और दूसरी तरफ चेक कर लेते हैं क्या बना हमारे चिकन का। तो ये देखिए चिकन बनकर तैयार है हमारा, बिल्कुल रेडी है ये, गलकर पककर बिल्कुल तैयार हो गया है। बस इसी कंसिस्टेंसी में हमें चाहिए था। अब मैं डालूंगी यहाँ पर 4 हरी मिर्चें जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, मिक्स कर लेंगे। और साथ ही डाल देंगे हम यहाँ पर जो हमने अभी अपनी वेजिटेबल ग्रेवी तैयार की है, इसको भी हमें अपने चिकन के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर लिया है मैंने 4 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम, मिक्स कर लेते हैं इसको भी अच्छे से। हाई फ्लेम पर हमें इसे स्टर करते हुए 1 से 1.5 मिनट पका लेना है और पकने के बाद हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ और फिर कर लेंगे अपने पटियाला चिकन की प्लेटिंग। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले ली है, इसमें हम अपने चिकन को निकाल लेते हैं। आप देखिए कितना ज़बरदस्त दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत दिखता है और खाने में तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप उंगलियाँ चाट चाट कर खाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। इसको आप ज़रूर से ट्राई करें अपने घर में और मुझसे अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। आई होप सो आज की ये रेसिपी आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।